बुलंदशहर में कोरोना का कहर अपने चरम पर है। जनपद में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव आए इन 8 मरीजों में एक खुर्जा का, एक गुलावटी का, एक बुलंदशहर नगर का और सिकंदराबाद के 5 नए मामले सामने आए हैं। बुलंदशहर का कस्बा सिकंदराबाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका है। कोरोना से मरने वाले 5 लोगों में से 3 सिकंदराबाद के ही निवासी हैं। पॉजिटिव आए इन 8 मरीजों को मिलाकर जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है, जबकि कोरोना से 5 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 101 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि 73 मरीज अभी भी उपचाराधीन हैं। बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और SSP संतोष कुमार सिंह ने आज गुलावटी कस्बे के हॉटस्पॉट एरिया का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही हॉटस्पॉट एरिया में की गई बैरिकेडिंग का मुआयना करते हुए कहा कि बैरिकेडिंग पर हॉटस्पॉट के फ्लेक्स बोर्ड लगाए जाएं। DM ने आदेश दिए कि हॉटस्पॉट एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए और लोगों को आपस में मिलने जुलने न दिया जाए। जिलाधिकारी ने आदेश दिए कि हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके नाम अनाउंसमेंट किए जाएं, जिससे अन्य लोग सबक लेकर नियमों का उल्लंघन ना करें। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने हॉटस्पॉट क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके उपरांत मंडी समिति गुलावटी का निरीक्षण करते हुए मंडी सचिव को निर्देश दिए हैं कि मंडी के समस्त दुकानदारों का पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल एवं पल्स की जांच की जाए। ऑक्सीजन लेवल कम पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश द्वारा कार्यवाही की जाए। निरीक्षण के समय उपजिलाधिकारी सदर डॉ. सदानंद गुप्ता, EO नगरपालिका मुक्ता सिंह, मंडी सचिव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 News। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।